आपकी जो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल किताबें यानी जो ओरिजिनल किताबें वही आपको पढ़नी चाहिए। जैसे मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक स्थल संधि और जल संधि को लेकर, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था क्लास 7 के एनसीईआरटी से जो आपने देखा होगा प्राथमिक रोग के बारे में आया था। मैं यहाँ पे आपको वही एनसीईआरटी बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूपीएससी के लिए जितनी भी एनसीईआरटी किताबें काम आती है प्री और मेंस में, और कई एनसीईआरटी किताबें पुरानी भी है कई नई भी है, तो जितनी भी एनसीईआरटी चलती है उनका आज ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। आपकी ये डिमांड बहुत दिनों से थी कि मैं जितनी भी एनसीईआरटी किताबें चलती है उसके बारे में आपको बताऊं, और एनसीईआरटी किताबों का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस बार की यदि मेंस की एग्जाम के आपने पेपर देखे, विशेषकर जीएस फर्स्ट आपने देखा, तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए 6th-7th की एनसीईआरटी क्लासों से आए, तो मोटी मोटी किताबें पीएचडी करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आपने एनसीईआरटी किताबों का सही ढंग से अध्ययन कर लिया, विशेषकर जो न्यू एस्पिरेंट है यदि इनको 5-10 बार पढ़ता है, तो आपको 50-60% आपका प्री और मेंस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो जानते हैं कौन सी किताब इस बॉक्स में, बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। आप इन किताबों की पैकेजिंग देखो कितनी अच्छे से इनको पैक किया गया है। जब भी आपके पास ये किताबें घर पे आएगी एकदम बहुत ही सुरक्षित आएगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश जी को, राजेश जी के जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। जो भी आपको मंगवाना, जैसे ये एनसीईआरटी किताबें पूरी मंगवानी है या और भी जो कोचिंग के नोट्स चाहिए आपको, फोटोकॉपी वाले नोट्स चाहिए, सब आप इनसे बोल सकते हो। साथ में जैसे टेस्ट सीरीज बहुत चाहिए होती है बच्चों को, गाँव में बैठे बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो टेस्ट सीरीज के लिए 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर पाएँ। तो आप जितने भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज या कोचिंग के जो नोट्स होते हैं वो आप इनको फ़ोन करना या मैसेज करना व्हाट्सएप पर, आपको 5-7 दिनों में ना आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो सभी किताबें हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिए और आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पुरानी इनमें कौन सी है, नई वाली कौन सी है, सब किताबों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी को लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे इसमें आपने ये देखा होगा जैसे 6th class की एनसीईआरटी है, 6th, 7th और 8th की बात करें, 3 तो नहीं होगी। और इनको घबराना मत इन चीज़ों को लेकर कि 6th से लेकर 8th ये किताबें, इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे। ये तीनों किताबें यदि आप पढ़ते हो एक दिन का काम है, बस एक दिन का काम है। मैंने कई बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा बीच में जो है 9th, 10th और 11th की जो नई वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, उनमें जो टॉपिक है विश्व इतिहास के वो हमारे सिलेबस में प्री में तो बिल्कुल नहीं है, और मेंस में जो है हमारे विश्व इतिहास को लेकर उसकी एक अलग एनसीईआरटी आती है ओल्ड वाली, वो पढ़नी है। तो ये आपको नए वाले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटी स्किप भी करनी होती है। तो 9th, 10th और 11th न्यू हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो हिस्ट्री में कौन सी किताबें आ गई, 6th, 7th, 8th और 12th की तीन किताबें, ये 12th की तीन किताबें आती हैं। और इनकी आपको एक जानकारी बताता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी किताबें हैं ना, और इनके अंदर जैसे बुक्स बने होते हैं साइड में, जो बॉक्स बने होते हैं वहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं, मतलब जैसे साइड में चीज़ें बनी होती है ना, ये साइड में जो बॉक्स बने होते हैं शब्दावलियाँ होती हैं यहाँ पे, ठीक है, शब्दावलियाँ जो होती है बॉक्स से कुछ भी जानकारी होती है। प्री के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नई वाली एनसीईआरटी से किताबों से पूछे गए हैं, जैसे सिंचाई के जो कौन से यंत्र पुराने समय काम आते थे, कौन सा जो यात्री बाहर से भारत में आया, हीरो का व्यापार, ये सब इन किताबों में दिए गए हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हिस्ट्री की नई वाली हो गई। इसके अलावा हिस्ट्री की पुरानी वाली एनसीईआरटी जो सबकी फेवरेट होती है वो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जैसे मैं विश्व इतिहास की बात कर रहा था, विश्व इतिहास की जो एनसीईआरटी की बात कर रहा था, ये है वो अर्जुन देव की एनसीईआरटी बोलते हैं इसको, ओल्ड वाली एनसीईआरटी। और इनकी फोटोकॉपी मिलेगी, आप यह सहमत करना कि इनकी कोई ओरिजिनल किताबें आपको मिल जाएगी, ये फोटोकॉपी कामयाब है, मतलब अच्छी है, मतलब इनको आप देख सकते हो। और ये केवल काम आएगी कहाँ पे, मेंस के एग्जाम में काम आएगी, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये जो किताबें हैं ना, ये सब की फेवरेट है, आधुनिक भारत विपिन चंद्र, ठीक है, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, और
प्राचीन भारत की एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा। तो ये तीनों एनसीईआरटी, और याद रखना आजकल अलग अलग पब्लिकेशन की भी इसमें आती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ना आपको एनसीईआरटी किताबें जो ओरिजिनल एनसीईआरटी किताबें उन्हीं की ओर जाना चाहिए। तो ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी होगी। तो हिस्ट्री के आप देख रहे हो ना आराम से, इनको समझ गए होंगे कि हिस्ट्री के अंदर कौन सी नई चाहिए होती है, कौन सी पुरानी वाली चाहिए, मैंने सब बता दिया एनसीईआरटी। ठीक है, पुरानी में चार चाहिए, तीन प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत और एक विश्व इतिहास की। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे एक तो ये है 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है। आप में से बहुत सारे ये गलती करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए या तो कोचिंगों की वीडियो या जो भारी भरकम किताबें आती है उनकी ओर जाते हैं, जबकि आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन मैंने प्री में ज़्यादा देखे या मेंस में क्वेश्चन देखे, वैसे तो आपकी जो हिस्ट्री का हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताबें पढ़ोगे उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा मटेरियल है, वहाँ से कवर हो जाएगा। साथ में आप चाहो तो एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी की दो मतलब ये किताबें आती हैं, एक 11th क्लास की और एक 12th क्लास की। ठीक है, इनकी ओर जा सकते हो। 12th क्लास की अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आप देख सकते हो उसको चाहो तो आराम से, ये आजकल मिल जाती है। ठीक है, आप इनको देखोगे तो आराम से मिल भी जाती है। साथ में मैं हमेशा इसको प्रीफर करता हूँ, भारतीय कला संस्कृति CCRT सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र, ये भी मतलब आपको उस वेबसाइट की जो फोटोकॉपी है वो नोट्स मिल जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर की ये भी एक तरह से NCERT मानो अपना, उनकी वेबसाइट से ही मिल जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये होगी पूरा हिस्ट्री का जो मटेरियल है। हालांकि आपको देखने में लगता होगा कि किताबें बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है, इनका जो नॉलेज है ना आप जब पढ़ोगे तो आपकी जो विचार या जो आपकी मानसिक क्षमता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और UPSC प्री में काम हमेशा करता है, आपने देखा होगा बिटवीन द लाइन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और प्री का मेरा भी एक अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं प्री की तैयारी करता हूँ तो आप ये मान के चलो 50-70% जो सिलेबस में कवर करता हूँ NCERT किताबों से ही करता हूँ। यहाँ पे NCERT की जो किताबें इनका बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में होगा, विशेषकर आपकी UPSC की जो एग्ज़ाम है इसके अंदर आपने ये देखा होगा कि UPSC आपसे क्या डिमांड करता है। UPSC आपसे डिमांड करता है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो, आपकी पर्सनलिटी ऐसी हो जाए कि आप चीज़ों को सही से समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, यानी आपकी लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है उसको बहुत मजबूत बनाएगी। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो NCERT की जो ऑफिशियल किताबें यानी जो ओरिजिनल किताबें हैं वही आपको पढ़नी चाहिए, किसी कोचिंग के जो नोट्स आते हैं वो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि आप ये ओरिजिनल किताबें पढ़ो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमेशा मैं आपके साथ चर्चा भी करता हूँ कि किताबें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाती है। मैं इस बात को मानता हूँ और आप भी इस बात से ज़रूर एग्री होंगे कि किताबें हमें निश्चित रूप से नॉलेज के साथ साथ जो एक एक्सपोजर चाहिए हमारे लाइफ में वो भी हमें दिलाती है। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कोको FM। कोको FM पर 10,000 से अधिक ऐसी ऑडियो बुक और समरीज है जो हमारी पर्सनलिटी डेवलपमेंट और UPSC की जर्नी में तो बहुत काम आएगी। साथ में आपका एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे UPSC में कैसे काम आएगी, UPSC में हमारी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे राइटिंग और इथिक्स, जिसमें आपको बहुत सारी फिलोसफिकल चीज़ें चाहिए जिसमें हमें ग्रेट थिंकर पढ़ने होते हैं। तो इतना तो समय किसी के पास नहीं होता कि आप सभी जो ग्रेट थिंकर हैं उनकी किताबें ला के पढ़ोगे। तो कोको FM पर ऐसी ऑडियो बुक और समरीज है जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर कलाम, अब्राहम लिंकन, इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब थिंकर की किताबें आपको यहाँ मिलेगी। सबसे अच्छी बात क्या है, इनका प्राइस बहुत कम है, पूरे साल भर का प्राइस है इनका 199 रुपये। और अभी यहाँ पर दिवाली सेल चल रही है 19-25 अक्टूबर के बीच में, जिसमें आपको इनके प्रीमियम कंटेंट पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में एक अच्छा मौका है आपके पास 10,00,000 रुपये तक के गिफ्ट जैसे कार, गोल्ड कॉइन जीतने का। तो मनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली, आपको कोड यूज में लेना है Diwali50। कोको FM का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं पॉलिटिकल NCERT पर। तो जो पॉलिटिकल साइंस की जो NCERT वो सबसे पहले जो अनिवार्य कौन सी है जो आपको लेनी लेनी है, ठीक है, तो ये होगी 12th क्लास की दो NCERT नई वाली। ये कहाँ पर काम आएगी, GS Fest जो मेंस का है, आज़ादी के बाद भारत के टॉपिक उसमें काम आएगी। साथ में GS2 में राजव्यवस्था, वहाँ पे भी इसके कुछ टॉपिक काम आएंगे। और समकालीन विश्व की राजनीति, ये IR में आपका काम आएगा। आप हमेशा पूछते हो कि IR में किसी कोचिंग के नोट्स या बड़ी कोई किताब बताओ, मैं कभी नहीं बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है NCERT किताब सफिशियंट है, साथ में करंट अफेयर IR में सफिशियंट है। तो अनिवार्य तीन NCERT, एक संविधान की NCERT भी है। ये NCERT बहुत ज़बरदस्त NCERT है जो 11th क्लास की, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। जो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो लक्ष्मीकांत से बाहर है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शब्दावलियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। प्री एग्जाम में देखना आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो फिर कहते हो कि यार कहाँ से आ गए ये क्वेश्चन। ये NCERT है, वो बहुत इंपॉर्टेंट NCERT है। तो तीन NCERT में आपको कंपल्सरी बता रहा हूँ कि ये तो लेनी लेनी है। लेकिन साथ में जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अभी तैयारी कर रहा है कॉलेज में है या अभी 2-3 साल बाद में एग्जाम देगा 2024 या 2025 में, तो उनके लिए मैं ये भी बोलूँगा कि जो 6th से लेकर 10th की जो NCERT है
आप चाहो तो ये राजनीतिक सिद्धांत ये क्यों पढ़नी जरूरी है? आप कई बार ये शब्द सुनते हो ना, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, ये शब्दावलियाँ कहाँ से कवर करोगे आप? जैसे अधिकार किसको बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये शब्दावलियाँ मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। यानी यूपीएससी की जर्नी में ये भी जरूरी है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, आपका जो आधार है कैसे मजबूत होगा। तो ये एनसीईआरटी 6 से लेकर आप ये भी देख सकते हो, ये पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप जब एक बार पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनमें बढ़ जाएगी। लेकिन जो 2023 में एग्जाम दे रहा है वो चाहे तो इनको स्किप कर सकता है, ये 3 कंपलसरी देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है वो आप देख सकते हो। इसके बाद में आते हैं इकोनॉमिक एनसीईआरटी में, ठीक है? इकोनॉमिक की एनसीईआरटी में कभी आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया होगा इनको, तो ये हम बात करें जैसे विशेषकर ये 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी, ये 3 एनसीईआरटी कंपलसरी है और ये ऐसी एनसीईआरटी है जिनको आप आसानी से समझ सकते हो, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन जैसे ये नई वाली एनसीईआरटी, ध्यान रखना इकोनॉमी में नई वाली 3 एनसीईआरटी है। इसके अलावा जो 12th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, इसमें समष्टि और व्यष्टि 2 आते हैं ना, तो इसको आप अपने से नहीं समझ पाओगे, इसमें दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, जटिल शब्दावलियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से 12th वाली स्किप करके आप एक काम कर सकते हो, जो मृणाल सर की वीडियो है, यदि मृणाल सर की वीडियो आप सही ढंग से कवर कर लेते हो तो फिर ये 12th वाली जो एनसीईआरटी है इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगी, टाइम काफ़ी जाएगा, इसमें अलग अलग डाटा स्टैटिक्स है जो आपको तनाव दे सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मेरा भी ये अनुभव रहता है कि इसको स्किप करता हूँ, इसकी बजाय मैं मृणाल सर की वीडियो को 2 बार देख लूँगा या उनके जो नोट्स हैं उनको सही ढंग से पढ़ लूँगा। तो ये इकोनॉमी की एनसीईआरटी हो गई। इसके अलावा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में तो मज़ेदार चीज़ें हैं, ये 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी नई वाली है ना, ये पूरी आपको लानी, इनमें तो मतलब कोई स्किप करना ही नहीं है, जितनी भी एनसीईआरटी। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मतलब ये 6 से लेकर 12 तक नई वाली एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी आपको लानी है। और इसके अंदर 2 एनसीईआरटी जो है ना, 11th वाली है, भारत का भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये तो मतलब आपकी मेंस के अंदर भी रामबाण है एकदम। और जैसे इस साल जो क्वेश्चन आए थे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि ज्योग्राफी की जो 6 वाली एनसीईआरटी वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था एक स्थल संधि और जल संधि को लेकर, इस साल जीएस फेस्ट में देखना आप, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था। अब यदि आपको ये पता नहीं हो जल संधि क्या है, स्थल संधि क्या है, तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हो? और आप एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो, जिस समय हम चर्चा कर रहे थे तो इस बात की चर्चा कर रहे थे। और ये कहाँ दिया हुआ है? 6th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी, इसमें दिया गया है। जैसे इस बार यूपीएससी की जो मेंस के एग्जाम लगी थी उसमें जीएस फेस्ट ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था क्लास 7 की एनसीईआरटी से, जो आपने देखा होगा प्राथमिक रोग के बारे में आया था। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है, कौन सी चट्टाने प्राथमिक रोग है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो यहाँ से भी कवर हो सकता है। जैसे हालांकि ये जानकारी 11th क्लास वाली एनसीईआरटी में भी है, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड थी ना वो इन एनसीईआरटी को ज़्यादा कवर करी थी। लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ये अक्सर आता है हमारे मेंस के सिलेबस में, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट देखो एक, और साथ में ये देखो ना आप विश्व के औद्योगिक प्रदेश का एक क्या देखो, मैप देखो। अब ये क्वेश्चन मैं कितनी बार देख चुका हूँ जीएस फर्स्ट ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है? तो ये इसमें मेंस के एग्जाम बड़ा रोल है। अब जैसे 4 बार प्री निकला है, 3 बार इंटरव्यू मैंने फेस किया, तो ये मेरा अनुभव कहता है कि नए वाले जो बच्चे हैं ना, जब सेल्फ स्टडी करते हो तो एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ जाओ, इसी के अंदर सार होता है आपका, चाहे पीसीएस एग्जाम हो चाहे आपकी यूपीसी के एग्जाम हो, और इतना इनमें नॉलेज है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कौन सी एनसीईआरटी और काम किया हमारे लिए। जैसे साइंस की बात करें, बेसिक साइंस के लिए बात करें तो 9th, 10th की एनसीईआरटी, और इसको भी पूरी नहीं पढ़नी है। पूरी इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि यूपीसी में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कहाँ से आते हैं? साइंस और टेक के आते हैं, यानी करंट अफेयर के ज़्यादा आते हैं। बाद में यदि क्वेश्चन बेसिक के आएंगे तो फिर इनमें से कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, जैसे जब न्यूक्लियर की चर्चा रहती है तो बेसिक न्यूक्लियर में क्या क्या चलता है, एटम वगैरह, ये थोड़ा पता होना चाहिए। सेल्स की बात आती है तो सेल्स में बेसिक चीज़ें जो आती है, सेल्स, डीएनए, वो चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हो। पूरी नहीं पढ़नी है। कौन से चैप्टर पढ़ने? आप जब प्री के क्वेश्चन देखोगे या मेंस के देखोगे तो मेंस में तो चलो साइंस टेक है, प्री में क्वेश्चन कौन से आए हैं? विशेषकर 2021 के एग्जाम में यूपीसी ने फिर से ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के, जो आपकी 9th, 10th की एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं। तो इसके अलावा यदि हम बात करें मेंस के अंदर आपकी सोसाइटी की एनसीईआरटी, अब कई बच्चे ये गलती करते हैं कि सोसाइटी को स्किप करते हैं, जबकि सोसाइटी जीएस फर्स्ट में 100 नंबर का है। 2 एनसीईआरटी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शानदार है, ये सोसाइटी की है। 11th क्लास की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वही एनसीईआरटी बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन्हीं को मैं बताना चाहूँगा, ठीक है? तो ये नई वाली एनसीईआरटी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो आपकी इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी है उसके अंदर पुरानी एनसीईआरटी भी चलती है, और साथ में जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उनके भी जो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वो आप मंगवा सकते हो। और पुरानी इन्वायरमेंट की भी एनसीईआरटी चलती थी, उसके 5 चैप्टर आते हैं, वो भी चाहो तो आप ऐसे करके मंगा सकते हो, ठीक है?
और इसके अलावा मैंने क्या मंगवाया, इसके अलावा जैसे ये योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जैसे हम GS3 पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने आपको कितने अच्छे डाटा वगैरह जो बताए हैं वो कुरुक्षेत्र मैगजीन का कमाल है, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन में जैसी हमें चीज़ें चाहिए वैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मैगजीन बहुत शानदार, इसमें जैसे जनजाति जीवन का संस्कृति का क्वेश्चन है, इस बार GS फेस्ट में जनजाति का क्वेश्चन आया था। जब भी हम सिलेबस कवर करेंगे तो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन में देखेंगे कि इनमें अच्छा मटेरियल है कि नहीं, और इनके आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं। और कृषि के लिए जैसे कृषि उद्यमिता का ये कुरुक्षेत्र मैगजीन है, कभी डेवलपमेंट के लिए, कभी आधारभूत ढांचा या ग्रामीण विकास, इनको लेकर ये आती है, तो ये चीज़ें हमारे काम की हैं। और ये जैसे आप चिंता मत करो, ये एक साथ मंगवा लिया करो, जैसे मैंने भी कितनी एक साथ मंगवाई है, जो भी मुझे चाहिए था इनको बोल दिया कि भाई मुझे एक साथ ये भेज देना, तो सभी योजना कुरुक्षेत्र एक साथ भी आप मंगवा सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने मंगाई, साथ में कुछ रजिस्टर जो अपने काम आते हैं नोट्स बनाने के, बाइंडिंग वाले रजिस्टर चाहिए UPSC में, क्योंकि ये रजिस्टर काम के, ये भी मैंने मंगवाए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली, और साथ में प्रैक्टिकल अनुभव भी मैंने दिखाया कि NCERT से कैसे प्री और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जितनी भी NCERT किताबें आप मंगवाना चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे राजेश जी के जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इन पे कॉल करना, कई बार कॉल बिजी बहुत आते हैं क्योंकि स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड रहती है, तो आप इनके जो व्हाट्सअप नंबर उन पे मैसेज कर देना। थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना, क्योंकि मैं जिनको भी रिकमेंड करता हूँ ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, ट्रस्टेबल पर्सन को ही रिकमेंड करना चाहूँगा, ठीक है। आप इनको कॉल करके जानकारी ले सकते हो, अपनी पूरी बात कर सकते हो इनके साथ में कि कितना इनका प्राइस आता है, कब आप सेंड करोगे, कैसे सेंड करोगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब जैसे आप पेमेंट करोगे इनको अपनी लिस्ट बना के आपके पास आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जो बीच में हमने कूकोफम की बात की थी एक बार जरूर चेकआउट करना, और साथ में उसमें एक कोड इस्तेमाल करना है दिवाली ऑफर का, Diwali50। तो इसमें आपकी साल भर की जो प्राइस है वो 399 रुपये से हो जाएगी 199 रुपये, और एक और इसमें आपके लिए शानदार गिफ्ट प्राइज़ का ऊपर चल रहा है जिसमें आपको लाखों इनाम जीतने का मौका है, वो भी आप इसमें जीत सकते हो। तो जरूर चेकआउट करना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।